हेलो बच्चों लोग, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसे स्टडीज में। मैं आपका सानू भैया आज शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पार्ट 2 की एक्सरसाइज। पार्ट 2 में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद पढ़ाऊंगा आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले देखिए कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट किसे कहते हैं। कंसिस्टेंट हम उसे कहते हैं जब हमारी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कम से कम एक जीरोस होगा। मानने की बात है, एक लीनियर इक्वेशन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, या ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरी वेरिएबल है, दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपके पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों इक्वेशन का कम से कम एक जीरोस तो होना ही चाहिए। अगर इन दोनों इक्वेशन का कम से कम एक जीरोस है तो ये कहलाएंगे ये दोनों कंसिस्टेंट हैं, और अगर इन दोनों का एक भी जीरोस नहीं है तो वह कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है, कंसिस्टेंट सिस्टम, ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम मैंने पहले ही आपको समझाया था, जब पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन दो होंगी तो उसे हम कहते हैं सिस्टम, ठीक है। तब कंसिस्टेंट सिस्टम हम उसे कहेंगे जब हमारी दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की कम से कम एक सॉल्यूशन या एक जीरोस होगा, और इनकंसिस्टेंट सिस्टम हम उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहेंगे जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, जिनमें एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे कि मानने के लिए आप मानो 8 एक नंबर है। अगर मैं कहूँ कि 8 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ और 8 को ही मैं 4 से भी डिवाइड कर सकता हूँ, तो 8 मेरा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 8 मेरा 4 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों जो हैं क्या हैं, कंसिस्टेंट हैं। अगर मान लो 2 है और 3 है, 2 और 3 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, जैसे मान लो 5 है, 5 का ना तो 2 कॉमन फैक्टर है ना 3 कॉमन फैक्टर है, तो 5 क्या है, इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे ही हमारी जो भी लाइन जिनमें कम से कम एक सॉल्यूशन है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अगर कम से कम एक सॉल्यूशन है तो वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। तो अब हमें पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आप देखिए, मैंने पहले ही बताया था पेयर एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एकदम स्ट्रेट लाइन। अब एक सीधी लाइन को खींचो, अब सीधी लाइन दो खींची आपने, उनके मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ही केस बन सकते हैं, या तो वो दोनों लाइन आपस में जा करके इंटरसेक्ट करेंगी जिसे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, या तो वो दोनों लाइन पैरेलल जाएंगी हमेशा, वो कभी भी नहीं मिलेंगी, जैसे कि ट्रेन की पटरी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन की पटरी कितनी भी दूर तक ले जाओ वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो उन्हें कहते हैं हम पैरेलल लाइंस, या वो दोनों क्या होंगी, एक के ऊपर एक कोलाइड करती हुई चलेगी, जैसे कि उसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो तो है स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब हम दो स्ट्रेट लाइन का यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ 3 ही केस बनते हैं। सबसे पहला केस होता है कि या तो वो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही होंगी, और दो सीधी लाइन कम से कम एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। तो एक पहली हो गई हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस, दूसरी हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस किन्हें कहते हैं, पैरेलल लाइंस हम उन्हें कहते हैं जब हमारी दोनों सीधी लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट ना हो। तीसरी हम किसे कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन किसे कहते हैं, कोइंसिडेंट वो होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड करती हैं, यानी कि हर पॉइंट पे उन दोनों के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो एक चीज यहां पर ये है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है वो कि यूनिक होता है, और पैरेलल वाली का जो है उसमें जब ये आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं तो इनका सॉल्यूशन भी नहीं होता है, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। मान लो अब ये दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है एक सॉल्यूशन है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है एक सॉल्यूशन है, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं हमारे किसके, कोइंसिडेंट लाइंस के। तो समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी लाइंस है, कोई भी हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी या
तो वो जो है पैरेलल होंगी या वो कोइंसिडेंट होंगी। जब वो पैरेलल होंगी तो वो नो सॉल्यूशन है, जब वो इंटरसेक्टिंग होंगी तो एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वो एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, और जब वो कोइंसिडेंट है तो वहाँ पर एक भी सॉल्यूशन एक से वहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के जब ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन। अब मैं जब आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन देखते हैं कौन सी होगी, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन की तरफ, हमारे एग्जाम्पल नंबर वन की तरफ। ये हमारा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर वन है। तो एग्जांपल नंबर वन क्या कहता है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, अब हमें ग्राफिकली ये चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो कैसी होंगी, वो इंटरसेक्टिंग है, वो पैरेलल्स है या वो कोइंसिडेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर वन की तरफ। तो हमारा एग्जांपल नंबर वन, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम अपने एग्जांपल में, सबसे पहले मैंने आपको बताया लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर। सबसे पहले क्या लिखेंगे, द पेयर ऑफ सिस्टम, द सबसे पहले हम लिखेंगे द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आर। हमें यहाँ पे टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें दे रखी है यहाँ पे x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी वाली क्या दे रखी है, हमें दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हमारी बन गई इक्वेशन वन, ये हमारी बन गई इक्वेशन टू। अब देखो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को अपनी लेना है, दोनों इक्वेशन में से कम से कम दो दो पॉइंट निकालने हैं, क्योंकि आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, दो, एक उसका इनिशियल पॉइंट, एक उसका फाइनल पॉइंट। कोई भी सीधी लाइन बनाओगे आपको एक तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि भैया मुझे यहाँ से शुरू करना है, और वो जाएगी कहाँ तक वो पता होना चाहिए, तब आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो नंबर ऑफ मिनिमम पॉइंट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ लाइन इज टू, तो इसलिए हम दोनों इक्वेशन के कम से कम दो दो पॉइंट निकाल लेंगे और उससे फिर हम प्लॉट कर देंगे इक्वेशन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन हमारी इक्वेशन वन दे रखी है एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इफ, अब देखो सबसे आसान तरीका है इक्वेशन के पॉइंट्स निकालने का, क्या है वो आसान तरीका, सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखो, 0 रखो तो y की आ जाएगी, एक बार y की 0 रखो तो x की आ जाएगी। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी है, इफ x इज इक्वल टू 0 देन 3y इज इक्वल टू 6 और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर पॉइंट बन गया 0,2। अब मैं क्या करता हूँ, इफ इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये इक्वेशन पॉइंट बन जाएगा 6,0। अब ये जो पॉइंट बना इसको मैं एक डब्बे में बना देता हूँ और लिख देता हूँ x को x अपॉन y। अगर मैंने x की वैल्यू क्या रखी, 0 रखी, तो मुझे y की क्या मिल गई, 2 मिल गई। अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू मुझे 6 मिल गई। तो समझ आया आपको, ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन से दो पॉइंट निकालूंगा फिर उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे। यहाँ पर देखो एंड फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, या हम ऐसा करते हैं इधर ग्राफ बना लेंगे, इधर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन टू वी हैव। तो हमने दूसरी इक्वेशन क्या ले ली, दूसरी इक्वेशन ले ली 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इफ x इज इक्वल टू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12 और इससे ये कट जाएगा 4 बार में, y इज इक्वल टू माइनस 4, तो यहाँ से बन गया 0,-4। इफ y इज इक्वल टू 0 तो हमारा बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, तो x इज इक्वल टू 6, यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई 6, तो एक पॉइंट बन गया 6,0। यहाँ से हमारी टेबल क्या बनेगी, यहाँ से हमारी टेबल बनेगी x अपॉन वाई इज इक्वल टू, यहाँ से टेबल बनी हमारी x अपॉन वाई इज इक्वल टू 6
अगर मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, x की वैल्यू रखी थी 0, x की वैल्यू रखी 0 तो हमारी y की कितनी आ गई -4, और अगर मैंने y की वैल्यू रखी 0 तो x की आ गई -6, x की वैल्यू आ गई 6। तो ये हमारी दो टेबल बन चुकी हैं, अब इन दोनों टेबल का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँगा। फिर देखते हैं, चलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले मैं वाई एक्सेस बनाया मैंने और एक एक्स एक्सेस बनाया। तो देखिए, सबसे पहले हम एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस किस बेसिस पे बनाते हैं, हम बनाते हैं अपना ये देख करके कि हमारे नंबर्स कितने, हमारा वाई जो है -4 तक गया, हमारा एक्स जो है वो 6 तक गया है। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मैंने दो एक एक का गैप ले लिया यहाँ पे, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा वाई है, ये हमारा एक्स डैश, -1, -2, -3, -4 और -5, -6 ये हो गया हमारा वाई डैश। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा, सबसे पहला पॉइंट है 0, 2। तो 0, x की वैल्यू, x कितना चलना है हमें, x चलना है 0, तो जब 0 है तो यहीं रहेंगे क्योंकि ये 0, 0 होता है। फिर y की वैल्यू कितनी चलनी है, 2 चलनी है, तो ये बन गया हमारा 0, 2 एक पॉइंट बन गया, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने a। अब दूसरा क्या है, 6, 0, तो x की वैल्यू कितनी चलनी है, 6 चलनी है, और y की तो है ही नहीं, तो ये हो गया 6, 0, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने b। अब देखो ये दोनों पॉइंट मिल गए, अब इन दोनों पॉइंट को जो है मैं लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये लाइन से ज्वाइन हो गए, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना है, यहाँ पे तो मैंने चलो पॉइंट को मेंशन कर दिया, ये तुम्हारा ए है हमारा और ये हमारा बी है, ये मैंने पॉइंट को मेंशन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है इसको और लिखनी है अपनी इक्वेशन के ऊपर। तो हमारी इक्वेशन क्या है, यहाँ से एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब दूसरी वाली इक्वेशन क्या है, दूसरी वाली इक्वेशन से हमारा क्या बना, 0 और -4, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो एक ये बन गया 0, -4, इस पॉइंट का नाम दे दिया c, और अगला क्या है 6, 0, ये यही वाला पॉइंट है। तो 6, 0 वाला, जब मैं यहाँ से इसको मिलाऊँगा 6, 0, तो ये आपने यहाँ पर देखा कि 6, 0 पे ये दोनों इक्वेशन क्या है, कट हो चुकी हैं, दोनों इक्वेशन क्या हो चुके हैं, कट हो चुके हैं। अब तो दोनों इक्वेशन को देख के आप बता ही सकते हो कि दोनों इक्वेशन कौन सी है, ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, ये कोइंसिडेंट है, कौन सी लाइन है, ये है इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, और इनके क्या जीरोज है, 6, 0, 6, 0। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो इक्वेशन थी इसको लिख दूंगा अपने यहाँ 2x-3y=12, ये मैंने दूसरी इक्वेशन भी लिख दी यहाँ पर, ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे क्या कहा था, ये कहा था चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन आर, तो हमारे हमें चेक करनी थी, तो हमने चेक कर ली, तो दस द गिवन इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, the given system of linear equation in two variables are intersecting। ये हो गया हमारा example number 1। example number 1 कंप्लीट हो चुका है, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा, होप मैं समझता हूँ आपके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार से दोबारा से सारा रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, वो पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन जिसमें कम से कम दोनों का एक सोल्यूशन ज़रूर होना चाहिए, दोनों इक्वेशन का कम से कम एक कॉमन सोल्यूशन ज़रूर होना चाहिए, तो वो कहलाएंगी कंसिस्टेंट। एक से ज़्यादा होंगी तब भी कंसिस्टेंट कहलाएंगी, अगर उन दोनों इक्वेशन का कम से कम एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो वो कहलाएंगी इनकंसिस्टेंट। क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट। तो उसके बाद हमारा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें हम लीनियर इक्वेशन को तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा पैरेलल, तीसरा कोइंसाइड। जब दो लाइंस आपस में आकर के एक जगह पे कट करेंगी या मीट करेंगी उन्हें कहते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दो लाइन कभी भी, उन्हें कितना भी आप एक्सपेंड करो, एक्सटेंड करते चले जाओ,
इनफाइनाइटली तक वो कभी भी मीट नहीं करेंगी, उन लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। उनके एक भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, जीरोस बिल्कुल नहीं होते, नौ जीरोस। अब एक होती है कोइंसाइड, एक के ऊपर एक ओवरलैप करके चलने वाली, उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो फिर हमने एग्जांपल नंबर वन करके दिखाया, एग्जांपल नंबर वन को हमने ग्राफिकली चेक भी करा कि उसमें कितने सॉल्यूशन हैं या वो कौन सी लाइंस हैं। तो हमने जब इसको सॉल्यूशन के रूप में सॉल्व किया तो हमें पता चला कि दोनों लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं कहाँ पे, एट बी पे। तो मैंने लिख भी दिया है, दस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल आर इंटरसेक्टिंग एंड इट मीट्स एट बी यानी कि 6,0। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो दोनों हमारी x की और y की वैल्यू आ चुकी हैं। तो अब चलते हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर टू में हमसे क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर टू कहता है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो एग्जाम्पल नंबर टू में हमें दो इक्वेशन दे रखी है, और उन दोनों इक्वेशन से हमसे कहा है ग्राफिकली, ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिकली, हमें ये फाइंड करना है कि इन दोनों इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्यूशन नहीं है, या यूनिक सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो अभी मैंने आपको सिखाया था, समझाया था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में नो सॉल्यूशन का केस होता है पैरेलल, यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है इंटरसेक्टिंग, और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस होता है कोइंसाइड। दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी होंगी, कोइंसाइड। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूँ। तो सबसे पहली लाइन तो वही जो मैंने आपको सिखा रखी है, द सिस्टम ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, हमें क्या दे रखी है, हमें पहली इक्वेशन दे रखी है 5x-8y+1=0। तो इसे हम बना लेंगे अपनी इक्वेशन 1। दूसरा हमें दे रखा है 3x-24y/5+3/5=0। तो देखो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको पहले मैं क्या कर लूँगा, इसको पहले मैं कर लूँगा सोल्व। सोल्व कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, तीन दोनों का एलसीएम लिया मैंने आया 5, ये हो गया 5×3=15x-24y+3=0। अब ये 5 मल्टीप्लाई में तो साइड में जा करके डिवाइड होगा, और ऊपर से मैं देखो 3, ये 24 3 के टेबल से जाएगा, 15 भी 3 के टेबल से जाएगा, तो 3 मैंने इधर से कॉमन निकाल लिया, क्या बचा x-8y+1=0×5। तो ये 3 मल्टीप्लाई में तो साइड में जाके डिवाइड, तो x-8y+1=0। 5×0 और किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो देखो यहाँ पर ये दोनों 3 को जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अब आप देखो पहली वाली इक्वेशन क्या है, 5x-8y+1=0। अब दूसरी वाली इक्वेशन भी क्या आ गई, 5x-8y+1=0। अब दोनों इक्वेशन एक जैसी आ गई, तो आप बता ही सकते हो दोनों इक्वेशन कैसी होंगी, ये कोइंसाइड होंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन जब सेम है तो ये कैसी होंगी, सेम। तो हम यहाँ लिखेंगे बट दिस इज द सेम एज इक्वेशन वन। ये जो है बिल्कुल सेम है इक्वेशन वन की तरह, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। देखो गिवन इक्वेशन के क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, पर एक चीज़ क्या कि भैया यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्राफिकली, तो हमें इसे ग्राफिकली भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे ग्राफिकली क्या, सबसे पहले हमें क्या बनानी है,
इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन कैसे बनेगी, इक्वेशन से हमें जो है दो पॉइंट लेने, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। एक बार अगर मैं मान लो x को ज़ीरो रखूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8y, चलो 5x, ये माइनस का 8y था, इधर जा करके मैं इसको कर देता हूँ तो ये प्लस का 8y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 8y माइनस वन, और ये x की वैल्यू आ जाएगी 8y माइनस वन, और ये 5 मल्टीप्लाई में तो साइड में जा करके डिवाइड। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो 8 टू जा 16, 16 में से 1 गया तो 15, और 15 को फिर मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो और अगर मैंने 0 रख दिया तो 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इफ़ y इज इक्वल टू 2, अगर मैंने y की वैल्यू 2 रखी, देन x इज़ इक्वल टू 8 × 2 − 1/5, तो यहाँ से आ जाएगा 16 − 1/5, यानी कि आंसर आ गया हमारा 15/5, और 15/5 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ऐसा आंसर आ जाएगा 3, क्या आंसर आएगा, 3 आ जाएगा। तो अब देखो x की वैल्यू 3 आ गई, तो एक पॉइंट बन गया हमारा यहाँ से 3, 2। अगर मान लो मैं y की वैल्यू रख देता हूँ माइनस टू से हो जाएगा 8 × 2 − 16 = 3, 8 × 3 = 24, वो भी माइनस का। If y is equal to -3, अगर मैंने y की वैल्यू क्या रख दी, -3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 × −3 − 1/5, तो यहाँ से ये बनेगा 8 × 3 = −24 − 1/5, ये हो जाएगा −25/5, और यहाँ से 5 से 5 = 25 चला जाएगा, 5 बार में तो −5, तो यहाँ से हमारा एक हमारा पॉइंट बन जाएगा, पहला पॉइंट बना था हमारा 3, 2, अब दूसरा पॉइंट हमारा बन जाएगा −5, −3, −5, −3। अब दोनों से हम जो है एक वो बना देंगे, एक ग्राफ बना देंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ में सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये कितने तक गया है, ये कितने तक गया है। चलिए तो चलो मैं ग्राफ इधर बना देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, ग्राफ ये बन गया हमारा। तो ग्राफ के लिए क्या है भाई, ये हमारा ग्राफ है। ग्राफ में सबसे पहले क्या देखना होता है, ग्राफ में सबसे पहले देखना होता है कि कितनी ज़्यादा मैक्सिमम तक गई। तो सबसे पहले देखो, अच्छा इनके अगर टेबल बनानी चाहिए तो टेबल क्या बनेगी, टेबल बनेगी इसकी हमारी x/y, और अगर मैंने x की वैल्यू क्या रखी थी, x की वैल्यू रखी थी 3, तो y की आ गई 2, और अगर मैंने x की वैल्यू क्या रखी, -5, और y की वैल्यू आ गई -3, ठीक है। ये हमारी टेबल भी बन चुकी है। तो ज़्यादातर हमारा हाईएस्ट x की वैल्यू कितनी गई, 3 गई है, तो हमारी मर्ज़ी हम कितना भी ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, मैंने 1, 1 का गैप ले लिया है, −1, −2, −3, −4, −5, ये हमारा x डैश हो गया। ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा y है, −1, −2, −3, −4, −5, −6, −7, ये हमारा जो है माइनस में आ गया है। अब हमारा पहला पॉइंट क्या है, 3, 2, तो x से कितना जाना है हमें, x से जाना है 3, 1, 2, 3, और y से कितना जाना है, 2, तो 3, 2 कुछ यहाँ पर आएगा, ये बन गया 3, 2, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, ये पॉइंट हो गया हमारा A। दूसरा पॉइंट क्या है, −5, −3, अच्छा चलो −5, −3, तो −5, −3 यहाँ पे आ गया, चलो −5, −3, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, हम मिलाते हैं, तो दोनों देखो कहाँ से मिलेंगे, ये मिलेंगे अगर हम इसको ऐसे ही मिला दें, तो देखो ये स्ट्रेट, थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन नहीं बनी है जो कि गलत है। बाकी आप जो है यहाँ पर स्केल का यूज़ कीजिएगा जिससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी मेनली, बाकी हमें तो यहाँ लाइन बनानी थी क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही लाइन है और दूसरी भी इसी के पैरेलल आएगी और दोनों जो है कोइंसाइड लाइन है हमारी। और हम यहाँ पे इक्वेशन लिख देंगे अपनी, 5x − 8y + 1 = 0, ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है, 5x plus
5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन कैसी है, कोइंसाइड है, जब दोनों ऐसी हैं तो हम यहाँ दो दो एरो लगा दिए, इससे हमें पता चल गया दोनों लाइन की इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, एग्जाम्पल 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, पहले वहाँ से इक्वेशन निकालनी है देन उसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत आसान है, मेनली मेन काम है हमें क्या बनाना, इक्वेशन बनाना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, और अगर किसी को वीडियो पॉज नहीं करनी है तो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दी हुई है PDF, और वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर थ्री में हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमें वर्ड प्रॉब्लम क्या दी है, चंपा वेंट टू सेल टू परचेज सम पैंट एंड स्कर्ट। एक चंपा है जो कहाँ गई है, सेल में गई है, जैसे कि लड़कियों की आदत होती है सेल में से सामान लाने की, तो चंपा जो है सेल में गई है और क्या लेकर आई है, वहाँ से पैंट लेके आई है और स्कर्ट लेके आई है। तो उसकी दोस्त, व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड एंड हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बाउट, तो उसकी एक दोस्त है उसने उससे पूछा कि वो कितने कितने की पेंट और स्कर्ट्स लेके आई है। तो चंपा भी बहुत तेज थी, उसने क्या है मैथमेटिक्स में आंसर दे दिया, यानी कि उसे उसने प्राइस बताया नहीं और मैथमेटिक्स में आंसर दे भी दिया, यानी कि मैंने आपको कोई बात बताई भी और नहीं भी बताई, यानी कि पहेली में आपसे कोई बात कह दी। तो हम तो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमसे कितने ही पहेली में बोल दें, हमें तो सोल्व करना है उसे। तो उसने क्या कहा, शी आंसर द नंबर ऑफ स्कर्ट इज टू लेस देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ पेंट परचेज, यानी कि उसने कहा कि जितनी वो स्कर्ट खरीद के लाई है उससे दो कम और दो गुना नंबर ऑफ पेंट खरीदी हैं। और दोबारा क्या कहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज फोर लेस देन फोर टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ अ पेंट परचेज, जितनी उसने पेंट खरीदी हैं उसके चार गुना में से चार कम उसने स्कर्ट खरीदी हैं। अब ये भैया इतनी जल्दी जल्दी क्या कह दिया आपने, तो चलिए मैं आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। तो जब आपने ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, हेल्प हर फ्रेंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बाउट, तो देखो सबसे पहले अच्छे से पूरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने के बाद मैं आपकी हेल्प करूँगा स्टेटमेंट लिखने में, मैं आपकी हेल्प करूँगा इसे अच्छे से समझाने में। तो सबसे पहले देखो शुरू से पढ़ते हैं, चंपा एक लड़की है, वो जो है सेल में गई, बाजार में गई कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने, उसकी दोस्त उससे मिली, उसने कहा कि आप कितने कितने की स्कर्ट और पैंट लेके आए हो, तो उसने उसे एक मैथमेटिकली प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आंसर दिया, उसने कहा कि जितनी मैं स्कर्ट खरीद के लाई हूँ तो वो जो है नंबर ऑफ पैंट के दो गुना से दो कम है। दोबारा कहा है कि जितनी मैं स्कर्ट खरीद के लाई हूँ वो नंबर ऑफ पैंट के चार गुना में से चार कम है। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना होता है, हमें देखनी होती है लास्ट वाली लाइन, बिल्कुल फाइनल लास्ट वाली लाइन पे जाओ और वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जहाँ पे फाइंड हो, फाइंड हाउ मैनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बाउट। तो हमें सिर्फ क्या करना है, लेट करना है जो हमसे पूछा हुआ है, पैंट पूछा और स्कर्ट पूछा है, पहले पैंट है तो पैंट को एक्स मान लेंगे, बाद में स्कर्ट है तो स्कर्ट को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ अ पैंट चंपा बाउट आंसर, देखो लेट द नंबर ऑफ, लेट द नंबर ऑफ पैंट्स चंपा बाउट, लेट द नंबर ऑफ अ पैंट्स चंपा बाउट बी एक्स, चंपा बाउट बी एक्स। हमने क्या मान ली कि चंपा ने जितनी भी पैंटें खरीदी हैं वो क्या है, एक्स है, एंड दोबारा हमने क्या करा, एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, और नंबर ऑफ स्कर्ट्स को हमने क्या मान लिया, वाई मान लिया, एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स चंपा बाउट बी वाई, चंपा बाउट बी वाई, चंपा ने जितनी भी स्कर्ट खरीदी है उनको क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। तो ये चीज़ समझ में आई, हमें करना कुछ नहीं है, लास्ट वाली लाइन को जाकर के पढ़ना है कि हाउ मेनी पैंट एंड स्कर्ट चंपा बाउट, तो लेट द नंबर ऑफ अ पैंट चंपा बाउट बी एक्स, एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट चंपा बाउट बी वाई, चंपा ने स्कर्ट खरीदी है वो एक्स है, चंपा ने पैंट खरीदी है वो एक्स है, और चंपा ने स्कर्ट खरीदी है वो क्या है, वाई है। अब चलते हैं अपने केस नंबर 1 की तरफ, उससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि ATQ, ये पूरा लिख देंगे ACORDING अकॉर्डिंग TOQUESTION अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे हम पूरा लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ स्कर्ट, तो नंबर ऑफ स्कर्ट को हमने क्या माना है भाई, हमने माना वाई, नंबर ऑफ स्कर्ट इज मतलब इक्वल, नंबर ऑफ स्कर्ट इज
टू लेस का मतलब क्या हो गया, माइनस। कितना माइनस करना है, दो। ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट, नंबर ऑफ पेंट क्या है हमारी x है, नंबर ऑफ पेंट क्या हमारी x है, इसका ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो गुना होता है, थ्राइस, थ्राइस मतलब तीन गुना, ठीक है। तो ऐसे ही, और फिर अगर चार या पाँच छः आता है तो वो टाइम्स लग जाता है, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स, सिक्स टाइम्स, और टू और थ्री को ट्वाइस और थ्राइस कहते हैं। तो टू लेस के लिए क्या करेंगे, माइनस टू। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर वन। समझ में आई कि उसने क्या कहा, नंबर ऑफ स्कर्ट जो है नंबर ऑफ पैंट के दो गुना है और दो कम है, यानी कि 2x-2। और जो दूसरी इक्वेशन बनेगी हमारी, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, एंड दोबारा भी उसने सेम यही चीज़ कही है, नंबर ऑफ स्कर्ट, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या होगी, y होगी, इज 4 less, 4 less का मतलब फिर -4, देन 4 times नंबर ऑफ अ पैंट, नंबर ऑफ पेंट क्या है, x है, तो इसको 4 times क्या हो गया, 4x-4, ये क्या हो गया, इक्वेशन हमारी 2 हो गई। तो समझ में आई, जब दो इक्वेशन बन गए, अब तो सारा आसान खेल है, सारा आसान, बिल्कुल बिल्कुल आसान। क्या कर देंगे, पहली इक्वेशन को ले लेंगे, एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, एक बार y को 0 रखेंगे x की वैल्यू -1 आ जाएगी, ऐसे ही इसमें भी करेंगे और दोनों का हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन वन वी गेस, अब देखो क्योंकि हमें करना क्या था, हमें सोल्व करना था। अब देखो यहाँ पर इन्होंने खाली सोल्व करने के लिए बोला और हमसे ये तक नहीं कहा है कि कैसे सोल्व करनी है, इन्हें ग्राफिकली सोल्व करनी है या एल्जेब्रिकली सोल्व करनी है। किसी भी पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दो तरीके से सोल्व करा जा सकता है, एक तो ग्राफिकली और दूसरा एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली तो हम ग्राफ बना के सोल्व करते हैं और एल्जेब्रिकली हम मैथड से सोल्व करते हैं, जो कि दो तरह के मैथड है, पहले तीन थे, सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बट इस साल न्यू एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस के साथ हमारे दो ही मेथड रह गए, सब्स्टिट्यूशन और दूसरा एलिमिनेशन। तो लेकिन यहां तक अभी मैंने वो सिखाया नहीं है, तो हम किससे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू 2x-2। अब इससे हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने बोला दो ही चीज़ें, दो पॉइंट की रिक्वायरमेंट। अब दो पॉइंट में एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, सबसे बेहतर। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -2, तो यहाँ से 2, -2। इफ y इज इक्वल टू 0, यहाँ 0 इज इक्वल टू 2x-2, ये माइनस का 2 था, इधर आके +2, 2x, इस 2 से ये 2 कट गया, आ गया 1 इज इक्वल टू x, यानी कि 1, 0। तो यहाँ से जो टेबल बनी हमारी वो क्या बनी, चलो टेबल मैं नीचे बना लेता हूँ, टेबल हमने नीचे बना ली, टेबल बन गई हमारी, नीचे टेबल हमारी बन गई, ये क्या हुआ x, ये क्या हुआ y। एक बार मैंने x को क्या रखा था, 0, x को 0 रखा था, तो y की वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, y की वैल्यू आ गई -2। एक बार मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करते हैं, मैं दूसरी इक्वेशन ले लेता हूँ, क्या करते हैं, दूसरी इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन टू वी गेट, हमने देखो दूसरी इक्वेशन ले ली, y इज इक्वल टू 4x-4। सिमिलरली अब यहाँ पे भी वही केस करेंगे, अगर एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी, और एक बार y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी। इफ x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -4, तो ये हमारा बन गया 0, -4। इफ y इज इक्वल टू 0, x 0 इज इक्वल टू 4x-4, माइनस का 4 तो इधर आ गया, 4 इज इक्वल टू 4x, इस 4 से 4 कट गया 1 बार में, यहाँ से x की वैल्यू आ गया हमारी 1, तो यहाँ से आ गया 1, 0, एक हमारा क्या आ गया 1, 0। और यहाँ से जो टेबल बनेगी वो क्या बनेगी हमारी, बनेगी x अपॉन y, अगर मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू -4, एक बार मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू 1। तो हमारी ये दोनों इक्वेशन बन चुकी है। अब दोनों इक्वेशन बनने के बाद जो है, तो अब हमें क्या करना है, अब मैं इसका ग्राफ बना के बताता हूँ, क्या बनाता हूँ, ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो ग्राफ बनाते हैं अब हम, देखो ग्राफ क्या है हमारा, यहाँ देखो x की वैल्यू हाईएस्ट क्या गई है, 0 गई है, उसमें भी 0 गई है, और y की वैल्यू क्या है हमारी, -2, -2। तो यानी कि हमने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ के लिए सबसे पहले एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींची,
तो देखो मैं तो बिना रोलर बिना स्केल के बना देता हूँ, लेकिन आप जो है स्केल का यूज़ करिएगा, उससे अच्छा ग्राफ बनेगा आपका। ये वाई है, ये वाई डैश है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है। तो यहाँ से वह 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 ये हुआ 1 2 3 4 ये हमारा हो गया -1 -2 -3 -4 -5 और ऊपर एक 5 दे दीजिए। चलो अच्छा 5 हो गया। तो देखो सबसे पहले वाले में क्या था हमारा 0, -2 तो x की वैल्यू तो 0 है, y की वैल्यू -2, y की वैल्यू -2 इधर है 0, -2। अब देखो और दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया हमारा 1, 0। अब देखो ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ से एक इक्वेशन चली गई हमारी और इस इक्वेशन से जो है हमने लिख दिया, और यहाँ पर इसकी इक्वेशन भी लिख देंगे। इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। इस पॉइंट का नाम दे देंगे a, इस पॉइंट का नाम दे देंगे b, इस पॉइंट का नाम दे देंगे b। अब दूसरी वाली में से देखो, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू -4 थी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, 0, -4। अब देखो दूसरी में क्या है, 1, 0, तो 1, 0 तो यही है, अच्छा 1, 0 यही है, तो यहाँ से जाएगी ये होती हुई और ऐसे बन जाएगी, और ये था हमारा 0, -2 जिसे हमने पॉइंट ए दिया था, ये हमारा पॉइंट बी हो गया और ये हमारा पॉइंट सी हो गया इस तरीके से। और इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो देखो एक तो हमारा ये पॉइंट है, एक हमारा ये पॉइंट है और एक हमारा ये पॉइंट है। तो देखो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, b और वहाँ पे 1, 0। दोनों कहाँ पे मीट कर रही हैं, 1, 0 पे मीट कर रही हैं। तो इसका मतलब समझ में ये आता है कि उसने नंबर ऑफ पैंट कितनी खरीदी हैं, 1 खरीदी हैं, और नंबर ऑफ स्कर्ट तो उसने खरीदी ही नहीं है, नंबर ऑफ स्कर्ट के आगे हमारी 0 आ गई। तो हमसे ये कहा था, तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर the given equation intersect at b 1, 0, therefore the number of pent is 1 and the number of skirts is zero। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ये हो गया हमारे इस वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3। उसके साथ हमारा कॉन्सेप्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और जिस भी बच्चे को नहीं समझ में आया हो वो रिकैप कर सकता है, बहुत ही आराम से बनाई है वीडियो। थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, आजकल हमारी थोड़ी सी लंबी हो रही है, वो इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, एक एक चीज़ को बार बार बताया जा रहा है। अगर आपको फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अपने कमेंट के माध्यम से। और अगर किसी को इसकी PDF चाहिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, PDF डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और बाकी अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए क्लास 10th की वीडियो के साथ, और अच्छे से क्लास 10th को फोड़िए। और होमवर्क अभी आपको दिया नहीं है, अब अगले पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 3.1, जिसमें उसके क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है या इससे पिछले चैप्टर्स में कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने SS स्टडीज चैनल पे 2 चैप्टर यानी कि मैथ्स के चैप्टर 1 रियल नंबर और मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलीनोमियल करा दिया है विद फुल एक्सरसाइज एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT न्यू सिलेबस 2023 एंड 24। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, अपना ध्यान रखिए।